प्यारे विद्यार्थी, भौतिक राशियों का विवेक सूत्र आपके सामने लेके आ चुका हूँ, साथ ही साथ उनकी एसआई मात्रक भी लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सही जोड़ी आती है तो सही जोड़ी में ज़्यादातर आपके विवेक सूत्र और एसआई मात्रक के ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स दोनों के लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि द्रव्यमान की जो भौतिक राशि होती है उसका जो एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। विमी सूत्र की बात कर ले बेटा, तो विमी सूत्र M1L0T0 होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपकी लंबाई, लंबाई का जो एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। इसका अगर विमी सूत्र बात करें तो L1 होता है या केवल L होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो क्षेत्रफल का की जो एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसकी अगर बात कर ले तो इसमें L स्क्वायर हो जाता है, राइट। अगला होता है बेटा समय, समय का क्या मात्रक होता है, सेकंड होता है। इसका भी क्या होता है, विमी सूत्र टी होता है। आयतन की बात कर ले तो आयतन क्या होता है, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसकी भी अगर विमी सूत्र की बात करें तो एल की घाते क्यूब हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा धारा के बारे में, तो धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका अगर विमी सूत्र बोले तो ए होता है, कैपिटल ए। ताप की बात करें तो ताप केल्विन होता है। इसके मात्रक की बात कर ले तो कैपिटल के होता है। घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान या फिर आयतन होता है। यानी इसका जो एसआई मात्रक द्रव्यमान अपन आयतन होता है, यानी एम अपन L3 होता है। चाल की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, यानी M0L1T-1 इसका विमी सूत्र होता है। त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी M0L1T-2 होता है इसका विमी सूत्र। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो ΔV/ΔT होता है। क्या होता है, ΔV/ΔT, यानी वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, राइट। इसके विमी सूत्र की बात करें तो M0L1T-2 होता है। बल की बात करें तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसके अगर हम इस विमी सूत्र की बात कर लें तो M1L1T-2 होता है। आवेग की बात करें तो बल गुणे समय होता है, M1L1T-1 होता है। दाब की बात करें बेटा तो बल अपान क्षेत्रफल होता है, यानी M1L-1T-2 होता है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्मक नियतांक की बात कर लें तो इसका अगर एसआई मात्रक आप देखोगे तो ये देख सकते हैं आप लोग, FR1 और M1+M2 होता है अपान में। तो इसका जो यही विमी सूत्र होगा M-1L3T-2 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, NCERT 11वीं कक्षा के लिए संपूर्ण PCMB कोर्स मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। मैं आपको 11वीं क्लास का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स क्लास में आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। 24/7 लाइव इंटरेक्टिव क्लास दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दी जाएंगी। क्लास का एक भी रुपये आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लास का टाइमिंग बच्चों 5 से 6 बजे के बीच है, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है नून अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की भी क्लासेस दी जा रही हैं। तो देर किस बात की, फटाफट नून अकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं क्लास में सभी बच्चे। कार्य ऊर्जा का विमी सूत्र या फिर एसआई मात्रक की बात करें तो इसका बल गुणे विस्थापन होता है और विमी सूत्र M1L2T-2 होता है, राइट। शक्ति की बात करें बेटा तो कार्य बटे समय हो जाएगा, M1L2T-3 होता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो MV²/2 होता है। विमी सूत्र M1L2T-2 होता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो MgH इसका एसआई मात्रक होता है। और विमी सूत्र की बात कर लें अगर यहाँ पर, तो इसका विमी सूत्र M1L2T-2 होता है। वहीं पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव का बल अपान लंबाई होता है, M1L0T-2 होता है। बल नियतांक की बात करें तो बल अपान विस्थापन होता है, M1L0T-2। इस तरह से जो महत्वपूर्ण आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये सभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे त्रैमासिक परीक्षा में सही जोड़ी के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी है, क्या क्या याद करनी है, क्योंकि ये सभी के सभी आपके त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिहाज से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अभी से तैयार रखना है ताकि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी वहाँ तक आपको बिल्कुल याद रहे। वहाँ तक मैं और भी आपको मैं यहाँ पर विमाएँ बताऊँगा, राशि बताऊँगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो क्लियरली बता दूंगा। बट अभी आप इतनी 24-21 राशियों को जरूर रट लीजिएगा, ये आपके 5 नंबर की जो सही जोड़ी आने वाली है उसको बिल्कुल करेक्ट करा देगी, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नए वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।